देख रहे हैं सब पापड़ पोल। ये है हमारी पापड़ पोल। कुछ शहर में इसे गली कहते हैं, कुछ शहर में इसे मोहल्ला कहते हैं, तो कुछ शहर में इसे चाल कहते हैं, लेकिन हमारे गुजरात में इसे कहते हैं पोल। तो यहाँ बसे रंगीन किरदारों के बारे में अभी आपको बताएंगे श्री साबुद्दीन राठौड़ जी। प्रणाम दर्शक मित्रों, मैं हूँ साबुद्दीन राठौड़। 40 साल से पूरा परिवार एक साथ में बैठकर जिसका आनंद ले सके, ऐसा निर्दोष निर्दन शास्त्रीय का सर्जन करना और प्रस्तुत करना, ये मेरे जीवन का एक उद्देश्य रहा है। ये अहमदाबाद है, ये इनकी पोल है, पापड़ पोल। और हमारे पात्र तो बहुत है, मगर इनमें से कुछ इधर आकर बसे हुए हैं। तो इन सब पात्रों के साथ अभी तक तो हम थे, अब इन पात्रों के साथ आप हैं। लड़ा दे आप पहले आप जवाब के अपने अपने पास एक से एक है हर नमूना यहाँ कोई आधा कोई पूरा कोई दुगना यहाँ अभी एपिसोड देखने का है ये पापड़ बोल साबुद्दीन राठौड़ की रंगीन दुनिया। शादी का बैंड नहीं बजेगा, अगर बजा नहीं है ना तो दूसरे बोर्ड में जाके बजाओ। अरे जीतू क्या कर रहा है तू, छोड़ दिन का रास्ता। छोड़ो जाने दो इन लोगों, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए लड़की देखी है, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। चलो करो चलो करो। बेचारा जीतू शादी न होने की वजह से पागल हो गया है। जीतू तो पढ़ा लिखा समझदार और दिखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन ये विनय चंद सपने में लाख बार ढूंढने पर इसमें से एक गुण उसमें दिखाई नहीं देंगे। कहाँ ये जीतू कहाँ वो विनय चंद, उसकी तो शादी हो ही नहीं सकती। आपने तो पूरे पापड़ पोल की मुंह की बात छीन ली। हे भगवान, भगवान ने कहा जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। जीवन सादगी पूर्ण तरीके से जीना चाहिए और सादगी पूर्ण जीवन जीने के लिए चाहिए आधा लीटर एरंडी का तेल, 250 ग्राम गुंदर, 200 ग्राम कड़वू कड़िया। तो ये गीता में किराने की लिस्ट विनय चंद की माँ ही रख सकती है। कहाँ था मैं, घर में ये सारे दिन पुस्तक के कीड़े बने रहते हो, उसी में मेरे किकली की शादी नहीं हुई। अब क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। क्या नहीं हुआ? अरे अपने किकली की शादी नहीं हुई, मैं अपने
को बोल देती हूँ विनय चंद को डाड़े वड़गा लो, उसकी शादी कर लो। मैं नहीं चाहती उसकी एलर्जी तुझे सी हो जाए। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। हाँ, लोहा अपने वजन से ही डूबता है, उसे डुबाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अरे मैं जीतू की बात कर रही हूँ, आप लोहे की बात कर रहे हैं। क्रोध नहीं, मैं भी जीतू की ही बात कर रहा हूँ। जीतू के साथ भी वैसा ही हुआ है। क्या, जीतू कब डूब गया? अरे बात का मरम समझ मरा। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। याद है तो कर, 15 साल पहले जब जीतू की शादी की सही उम्र थी तो वो क्या कहता था? सुनिए 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 पापड़ बोर्ड के लोग, आज इस खुशी के मौके पर मैं अपनी साली का हाथ इनके लिए मांगता हूँ। कितनी पढ़ी हो? 12वीं पास है। एक बात कान खोल के सुन लो और आप सब भी सुनो, मैंने एमए की डिग्री हासिल की है, एमए की, इसलिए लड़की भी मुझे डबल ग्रेजुएट चाहिए। क्यों? अरे अगर लड़की ग्रेजुएट होगी तभी तो मेरी भावनाओं को समझेगी ना। नहीं मिली कोई डबल ग्रेजुएट कन्या, फिर सपने छोटे होते गए और उसकी उम्र बड़ी होती गई। अरे कन्या को अक्षर ज्ञान मैं दूंगा। अरे मेरी कोई शादी तो करा दो। अरे कोई भी लड़की चलेगी यार, अरे वो मेरी भावना समझे या ना समझे मैं उसकी भावना समझ लूंगा ना। अरे करा दो ना मेरी शादी। अरे देख लेना, अगर मेरी कोई शादी नहीं कराए ना तो इस पापड़ पोल में किसी की बैंड बजने नहीं दूंगा मैं, किसी का भी नहीं। और आज ये नौबत आई है कि जीतू कुंवारा रह गया, अब औरों की शादी वो सह नहीं पाता। यानी हमारे विनय चंद के साथ? नहीं नहीं, हमारे विनय के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहाँ इतना पढ़ा लिखा है, हो जाएगी शादी। अरे क्या हो जाएगी शादी, 35 का तो हो चुका है, उसके सारे दोस्तों के घर में पान ले जुड़ रहे और ये अभी भी कुंवारा घूम रहा है। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। अरे क्या कभी से क्रोध नहीं, क्रोध नहीं लगा रखा है। देखो मैं आपको बोल देती हूँ और आप विनय के सारे दोस्तों को भी बोल दो, अगर 15 दिन के अंदर विनय के लिए लड़की नहीं ढूंढी तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ज्यादा टीवी देखने का यही परिणाम होता है। ये विनय कहाँ है? पापड़ बोल। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ के लिए एक अच्छा सा जवाई भेज दे। हे कानोड़ा, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस ये माँ बेटी की इच्छा पूरी कर दे। भगवान ने आपकी सुन ली है। जय श्री कृष्ण बा। पलाई का तो जमाना ही नहीं है। वैसे मेरा कोई वध इरादा नहीं था, मैं तो बस चाह रहा था कि उनका घर भर जाए, भले उसके लिए मुझे उस लड़की से शादी क्यों ना करनी पड़े। है एम राखी आपने। जय श्री कृष्ण। घड़ी खम्मा काका ने घड़ी खम्मा। आपने जीवा को बुलाया, जीवा के जीव में जीव आ गया काका। काका क्या सज रहे आप, बिल्कुल राजा पोरस की तरह। झूठी तारीफ नहीं, झूठी तारीफ नहीं। इस धोती और बांडिये में मैं तुझे राजा पोरस दिख रहा हूँ। जिवला, मैंने तुझे इसलिए यहाँ। अच्छा हुआ काका बुला लिया, 2 मिनट बैठने मिलेगा, वरना पूछो मत आप। मैंने कब पूछा? जो पूछते हैं उसे कहो कि मत पूछ, ठीक है? जो नहीं पूछते हैं उसे नहीं, ठीक है? काका बोलो मेरे लिए क्या हुक्म है। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि तू विनय के दोस्तों को ये संदेशा दे। संदेशा दे दिया, हफ्ते में 2 बार संदेशा दे देता हूँ कि विनय चंद के लिए लड़की ढूंढो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो क्या है काका, आप एक तो धीरे बोलते हैं, अचानक रुक जाते हैं,
सुनने वाले को लगता है कि आपकी बात खत्म हो गई। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। बोलो बोलो। विनय चंद के सारे दोस्तों को यह संदेशा दे दो कि 15 दिन के अंदर उसके लिए बहू ढूंढ लाए, वरना उसकी माँ खाना पीना छोड़ देगी। ऐसी कसम खाई है उसने। कैसे रहेगी काकी सारी जिंदगी भूखी प्यासी? मतलब? मतलब विनय चंद की शादी तो होने से रही और काकी जिंदा बचने से रही। भगवान पर भरोसा रख, चमत्कार आज भी होते हैं। अब जा। अच्छा खत्म हो गया, ठीक है काका। गाड़ी खम्मा, गाड़ी खम्मा। ये जीवला। ओ गलुबा, जरा नीचे देख के चलो ना। अरे रमेश भाई, आइए आइए आइए। मैं सूट सिलाने आया हूँ। अरे सूट सीने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई 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 35 20। भाई कमर की माप ठीक से लेना, पिछली बार यहाँ की फिटिंग में आपने गड़बड़ कर दी थी। क्या बात कर रहे हो, अंग्रेजी स्टाइल की सिलाई में यहाँ से 7-7 गांव तक मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अंग्रेजों के जमाने का टेलर हूँ मैं। अंग्रेजों के जमाने का? ये मेरे दादाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये आर्मी के तंबू सीते थे। ऐसे तंबू सीते थे कि चारों तरफ से जब दुश्मनों की गोलियां चलती थी धाई धाई, तो तंबू का कपड़ा फट जाता था, पर मेरे दादाजी के सीए हुए टाके कभी न टूटे। इसलिए अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए? नहीं नहीं, मेरे दादाजी के साथ तो उनकी बहुत अच्छी बनती थी। उन लोगों का गांधी जी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए वो भारत छोड़ के चले गए। घड़ी गम्मा लापचंद मेरा ही नहीं। आप तो रे विनय चंद की बात है। बाप रे, माँ ने ये पापड़ बोल। जीवला, 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 ये जीवला। ये नालायक जीवला। क्या मरी क्यों जीवलो, क्या चे? ये जीवला को देखा नहीं? जीवला, ए जीवला, ओ गलुबा, जरा नीचे देख के चलो ना। हमने ऐसा किया ही क्या है कि हम नीचे देखे? जीवला, 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 सांभळो छो? क्या? अरे सांभळो छो? ये क्या, मैंने 700 रुपए का पेडिक्योर करवाया और आप ऐसे नंगे पैर घूम रहे हो? क्या फिर से आपके 1500 के इम्पोर्टेड जूते वो कुत्ता तो नहीं उठा ले गया? अरे बापू बापू, ये देख देख, यहाँ हरामखोर नालायक जीवला, तू मेरा जूता पुलिस करवाने गया था ना? कम्मा बापू कम्मा, ये देख अभी तक इसने मेरे जूते पॉलिश ही नहीं करवाया। बापू मेरे पास खबर इतनी बुरी है, आप सुनोगे ना तो आप जूते की पॉलिश भूल जाओगे। अच्छा ऐसा क्या गजब हो गया? विनय चंद की माँ कांता काकी। अरे रे 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 रे, कांता काकी जैसी कांता काकी, क्या औरत थी। गुणों की सागर, दुखियों की बेली, दिल की भोली, बस चली गई। वो कहते हैं ना जीवला, अच्छी औरतों की जरूरत यहाँ है
उससे ज्यादा ऊपर वाले को है, है ना बापू? पूरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ सुन लो, पूरे 5,250 की पगार देते, कुछ तो वसूल करो। मैं उसे पगार सुनाने की देता हूँ, सुनने की नहीं। बापू थोड़ी पगार काट लेना, लेकिन बात तो सुनो। सुना बापू, विनय चंद की माँ ने कसम खाई है, 15 दिन के अंदर विनय चंद के लिए लड़की ढूंढ कर उसकी शादी नहीं की ना तो विनय चंद की माँ खाना पीना छोड़ देगी। पापड़ बोल। धीरज का फल मीठा होता है, यानी मींस के अपने कापड़ बाजार के सामने जो फल वाला बैठते है ना धीरज, उसके फल बहुत मीठे होते हैं। हाँ भाभी हो, ये बात किताब में छप गई है। खेलने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ना। जय श्री कृष्णा भाभी, जय श्री कृष्णा। लो भगवान जी का प्रसाद लो, ले बका। क्या भाभी आप कितना टेंशन लेते हो ध्रुव की पढ़ाई का? है क्या करूं विनय भाई, कितनी मेहनत करती हूँ लेकिन इसके मुंह पे पढ़ाई चलती नहीं है। समझा समझा के थक गई कि पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ना। हाँ। भाभी बच्चों के लिए पढ़ना नहीं, पढ़ना जरूरी है, है? और मुझे एक बात बताइए भाभी, अपना ध्रुव बड़ा तो हो रहा है ना? हाँ। इंसान को पढ़ना क्यों जरूरी है? बड़ा बनने के लिए। तो अपना ध्रुव तो बिना पढ़े लिखे ही बड़ा हो रहा है ना, तो फिर उसे पढ़ा लिखा के बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए टेंशन छोड़िए और ये सुवाक्य की किताब पकड़ो। थैंक यू विनय भाई, अब हिंदी के पीरियड में बच्चों को पढ़ाऊंगी सुवाक्य। जैसे कि गागर में सागर, धीरज का फल मीठा होता है, यानी मींस के अपने कापड़ बाजार के सामने जो फल वाला बैठते है ना धीरज, उसके फल बहुत मीठे होते हैं। हाँ भाभी हो, ये बात किताब में छप गई है। और धीरज सुपक। चल बेटा चलते हैं। अब विनय भाई मैं चलती हूँ। भाभी अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी ना तो रोज शाम को 2 घंटे मैं खुद आऊंगा इसको पढ़ाने के लिए। है नहीं नहीं है? मतलब कि मैं टेंशन नहीं लूंगी। हाँ चल चल ध्रुव, चलिए विनय भाई। जय श्री कृष्ण भाभी। गागर में सागर है। पापड़ बोल। तब ठीक है, मने सुधी पण जोए छे भाई। अरे मने त्यां जाऊ हेतल भाभी। हेतल भाभी मैं प्रसाद देने के बहाने पैसा मांगने के लिए नहीं आया हूँ भाभी। हालांकि पिताजी दिन में 4 बार पूछते हैं कि 4 महीने से 4,000 का उधार बाकी है। विनय भाई वो चकली के पापा कुछ ना कुछ इंतजाम करने ही वाले थे, अब वो पिछले 3 महीनों से 3 महीने से उधार बाकी है तो हाथ तंगी में ही होगा ना भाभी। है इतना तो मैं भी समझता हूँ, बस पिताजी नहीं समझते। मीन्स के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे चुका दो, लेकिन पिताजी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। है हाँ। ओ क्यों भाभी, बच्चों की परीक्षा चल रही है ने? है मैं पिताजी को बोलता हूँ कि ट्यूशन में खर्चा हो गया, पैसा खत्म। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्यूशन की फीस देने के पैसे और किराने के बिल देने के पैसे नहीं है तो। अरे ना भाभी, मेरे पिताजी है न पढ़ाई के मामले में बहुत इमोशनल है, मींस के वो समझ जाएंगे। हैं सुपक। हाँ भाभी ये सब्जी। सब्जी? हाँ हाँ मैं आप ही के लिए लाया हूँ। मेरे लिए?
हाँ वो सब्जी वाले का भी कर्जा बाकी होगा ना, तो वो तो आपको सब्जी देगा नहीं, तो मैं ले आया। जय श्री कृष्ण भाभी। विनय भाई है? आपकी दुकान का उधार तो हम चुका देंगे, पर आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? अरे मत चुकाना भाभी, हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। सनेड़ो 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 सनेड़ो। ए बा, ए आया छू। ओहो, आखो दिवस रसोड़ा माज रहे छे हैं? ए बा, मारी माड़ी, मैं मंदिर जाके आ गया है। सुखी था। ले प्रसाद ले। ले, तू क्यों गया था मंदिर? मंदिर जाने की उम्र तो मेरी है। अरे भगवान जी के दर्शन भी हो जाते और लोगों के चार काम भी हो जाते। कितना काम करता है लोगों का, पता नहीं भगवान तुम्हें उसका फल कब देगा। ए वाह, भगवान जी ने मुझे आज उसका फल दे दिया। बोल का है, का है? मेरी बहू का है? ए मारी माड़ी, ये फल हा? कितना बोला है मेरा लाल। और ये क्या, ये तुम्हारा काला टीका कहाँ गया? कितनी बार बोला है तुम्हें कि घर से काला टीका लगाए बिना मत निकला करो, किसी की नजर लग जाएगी। ए मारी माड़ी, ए मारी माड़ी, तू रोज मुझे ये काला टीका लगाती है, लेकिन दिखता तो नहीं है। दिख जाता, क्योंकि तुम जन्म से काले नहीं थे, जन्म के 18 दिन तक तो एकदम गोरे चट्टे थे, पर फिर किसी की नजर लग गई। हाँ क्या बा, फिर वही बात। और तू ही तो हमेशा कहती है ना बा, क्या के काला तो हमारा ये कानूड़ा भी है, है? पर वो तेरी तरह ऐसा भोला और अकेला नहीं है। पर तू फिकर मत करा, मैंने कसम खा ली है और पोड़ के सारे लोगों को भी बता दिया है कि 15 दिन के अंदर तेरी शादी करवा के रहूंगी, नहीं तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। हाँ पंद्रह दिन में मेरी शादी?